बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन, और प्रीवियस क्लास में जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो था रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हमने प्रीवियस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया। हमने देखा कि जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जी, कि अगर दो एनिमल्स की बात करें तो हेटरोगैमेट्स होते हैं, दो हेटरोगैमेट्स होते हैं, दो अलग तरह के गैमेट्स होते हैं, एक कहलाता है मेल गैमेट, एक कहलाता है फीमेल गैमेट। ये दोनों गैमेट जो है वो फर्टिलाइज करते हैं, जायगोट बनता है, और वो जायगोट पे पहले एम्ब्रियो बनता है, और फिर उस एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो गैमेट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है जी मायोसिस से। मेल के अंदर एक ऑर्गन होता है गोनेट्स, मेल का जो गोनेट होता है वो टेस्टिस कहलाता है, वहाँ उसके गैमेट्स तैयार होते हैं। फीमेल के अंदर उनका जो गोनेट्स होता है वो ओवरी कहलाती है, और वहाँ फीमेल गैमेट्स तैयार होते हैं। तो ये दोनों गैमेट जो है ये बाय मायोसिस तैयार होते हैं, और मायोसिस में इनके क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो आधी हो जाती है। मायोसिस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि माइटोसिस और मायोसिस ये दो तरह की जो सेल डिविजन होती है इनमें क्या फर्क होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो जायगोट बनता है, चूंकि वो दो हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से बन रहा है, तो जायगोट जो है वो एक डिप्लॉइड जायगोट होता है, और यूं जो है हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है उसमें माँ बाप जैसे ही क्रोमोसोम्स की तादाद होती है। फिर हमने कहा कि हमारे पास ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये तीन स्टेजेस में होता है, या यूं कह लें कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज कहलाती है गैमेटोजेनेसिस, दूसरी कहलाती है मेटिंग, और तीसरी कहलाती है फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म अपने गैमेट्स बनाता है। अब चूंकि एनिमल्स के अंदर दो अलग तरह के गैमेट्स होते हैं, दो अलग तरह के बॉडी में तैयार होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल बॉडी होती है, लिहाजा गैमेटोजेनेसिस की दो टाइप्स होती है। वो टाइप्स हमने डिस्कस करी थी जी। गैमेटोजेनेसिस की पहली टाइप होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है मेल ऑर्गेनिज्म में होता है, उनका जो गोनेट होता है टेस्टिस वहां होता है, और इससे मेल गैमेट्स तैयार होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्म्स। जबकि दूसरा जो दूसरी टाइप जो है हमारे पास गैमेटोजेनेसिस की, वो कहलाती है ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस फीमेल ऑर्गेनिज्म में होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म का जो गोनेट होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं वहां होता है, और यहाँ पर इस ऊजेनेसिस की मदद से फीमेल गैमेट्स तैयार होते हैं जिनको हम कहते हैं ओवम। फिर हमने इनकी इन दोनों को डिटेल में स्टडी किया। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया कि मैंने आपको कि ये मेल ऑर्गेनिजम्स में हो रहा होता है, उनका जो गोनेट होता है टेस्टिस वहां होता है, इससे मेल गैमेट्स तैयार होते हैं स्पर्म जिनको हम कहते हैं, और मायोसिस के जरिए होते हैं। जाहिर बात है गैमेट्स मायोसिस से होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये इसका पूरा आपको मैकेनिज्म मैंने समझाया था कि एक जर्म सेल से पहले स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं माइटोसिस, फिर स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड, और फिर वो मैच्योर होकर स्पर्म्स बन जाते हैं। फिर हमने बात की ऊजेनेसिस की। ऊजेनेसिस ऐसा गैमेटोजेनेसिस होता है जो फीमेल बॉडी में होता है, फीमेल बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं गोनेट, और वो कौन सा होता है ओवरी के नाम से, ओवरी के अंदर होता है जी ऊजेनेसिस, और इस ऊजेनेसिस की मदद से फीमेल गैमेट्स तैयार होते हैं जिनको हम कहते हैं एग सेल या ओवम। तकरीबन स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह होता है कि एक जर्म सेल होगा आपके फीमेल गोनेट के अंदर, ओवरी के अंदर जर्म सेल होते हैं जो कि माइटोसिस के जरिए बहुत सारे ओगोनियम तैयार कर देते हैं। अब ये ओगोनियम जो है पहले अपने क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट करता है, प्राइमरी ओसाइट बनता है, फिर ये जो है एक डिवीजन करेगा और दो सेल्स बनते हैं, एक कहलाता है सेकेंडरी ओसाइट, एक कहलाता है पोलर बॉडी। सेकेंडरी ओसाइट जब डिवाइड होगा तो एक ओवम और एक पोलर बॉडी बनती है, और पोलर बॉडी जब डिवाइड होगा तो दो पोलर बॉडीज बनती है। ये दोनों तीनों पोलर बॉडीज जो है ये रीजनरेट हो जाती है, और ये जो ओवम है ये फीमेल गैमेट होता है। अब ये था जी पहला स्टेप जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया गैमेटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप होता है मेटिंग और फर्टिलाइजेशन। तीसरा स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन, दूसरा मेटिंग। मेटिंग का मतलब होता है जी ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के करीब आना, ये पेरेंट्स बिकम क्लोज, ये जो स्टेज है ना ये मेटिंग। मेटिंग का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के करीब आना। जाहिर बात है हमने अभी ये देखा कि हमारे पास ये मेल है जी, ये मेल है, और इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस का कौन सा टाइप होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए ये स्पर्म्स तैयार होता है, और उसके बाद ये एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है जी। इधर ऊजेनेसिस के जरिए इसका गैमेट तैयार हो गया जी ओवम, ये ओवम है। अब ये दोनों गैमेट्स को फर्टिलाइज होने के लिए पहले एक दूसरे के करीब तो आना होगा, ठीक है जी। तो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे जी, ताकि अपने गैमेट्स को ये एक्सचेंज कर सकें और फर्टिलाइजेशन हो सके।
तो ये जो दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के करीब आते हैं ताकि ये दोनों के जो गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये दोनों फिर एक दूसरे के करीब आए, फर्टिलाइज हो, तो इसको हम कहते हैं मेटिंग। मेटिंग का मतलब है ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के करीब आना फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर फर्टिलाइजेशन, ताकि एक दोनों के गैमेट जो है वो फर्टिलाइज हो जाए। और तीसरी स्टेज फिर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा कि ये जो दोनों गैमेट हैं, ये मेल गैमेट है जी इसका, ये फीमेल गैमेट है, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। अब दैट इज द जाइगोट। अब यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स करीब आएंगे उसके बाद ये जो अपने गैमेट्स को डिस्चार्ज करेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, ये जो ऑर्गेनिजम्स करीब आए हैं ये है मेटिंग, और ये जो गैमेट्स फर्टिलाइज हो रहे हैं, जो गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स करीब आ रहे हैं ताकि इनके गैमेट्स जो है वो फर्टिलाइज हो जाए, फर्टिलाइजेशन फिर दो किस्म की होती है, एक कहलाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक कहलाती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मैं अब आपको वो नीचे तरह एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी, इन डायग्राम्स के बाद एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हाँ, अब ये जो मेटिंग होती है जी, मेटिंग का मतलब होगा ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है जी, लिख देते हैं हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, बोथ ऑर्गेनिजम्स, पर एक मेल और एक फीमेल, लिहाजा बोथ ऑर्गेनिजम्स कम क्लोज फॉर फर्टिलाइजेशन। दोनों ऑर्गेनिजम्स मेल और फीमेल एक दूसरे के करीब आएंगे ताकि इनके गैमेट्स आपस में मिल जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, जायगोट तैयार हो जाए, इसको आप कहते हो मेटिंग। अच्छा, अब जब ऑर्गेनिजम्स करीब आ जाएंगे तो अब बारी होगी जी उसके बाद थर्ड स्टेप की, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा कि दोनों के जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है जी? गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जायगोट, गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। अच्छा, अब कहानी ये होती है कि हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है वो दो तरह की है। एनिमल्स के अंदर दो तरह की फर्टिलाइजेशन कहलाती है, एक कहलाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक कहलाती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मैं इनको डिफरेंसेस के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंसेस ही आते हैं अक्सर हमारे पास पेपर में। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब गैमेट्स का एक दूसरे के, फर्टिलाइजेशन के लिए मेटिंग जरूरी है, ऑर्गेनिज्म दोनों के करीब, एक दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के करीब आएंगे, मेटिंग होगी, उसके बाद फिर ये अपने गैमेट्स निकालेंगे और उसके बाद उन गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरह की, एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब बाहर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है जी कि ये जो मेल गैमेट होगा, अब यहाँ तो इंसान तो नहीं होता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंसानों में नहीं होती है, मछलियों में होती है, तो यहाँ मछलियों को बना लेते हैं हम। ये है जी मेल फिश और ये है जी फीमेल फिश, ठीक है जी, किनमें होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब ये और ये मेल और ये फीमेल, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, मेटिंग हो गई ताकि ये फर्टिलाइजेशन करें, लेकिन फर्टिलाइजेशन इन दोनों की बॉडी के अंदर नहीं होगा बल्कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा। ये मेल गैमेट जो है, ये मेल जो है फिश, ये अपना मेल गैमेट रिलीज कर देगी पानी में, ये फीमेल जो फिश है ये अपना फीमेल गैमेट जो है वो पानी में रिलीज कर देगी और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, बाहर बनेगा एक जायगोट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हो गई? दोनों के जो गैमेट्स हैं उनका जो मिलना है, फर्टिलाइजेशन है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि पानी होता है उधर होती है। बोथ ऑर्गेनिजम्स डिस्चार्ज गैमेट्स इन वॉटर, और फिर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल यानी बाहर हो जाएगी, पानी में हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, इसको आप कहते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेल भी अपना गैमेट पानी में रिलीज कर देगा, फीमेल भी अपना गैमेट पानी में रिलीज करेगा, और इन दोनों गैमेट्स का आपको फर्टिलाइजेशन होना है वो किसी मेल फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होगा बल्कि पानी के अंदर ये दोनों गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे। तो बोथ ऑर्गेनिज्म डिस्चार्ज गैमेट्स इन वॉटर, और फिर जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होगी, दोनों पानी में जो है अपने गैमेट डिस्चार्ज कर देते हैं और पानी में ये जो है फर्टिलाइजेशन होती है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नाम से जाहिर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में होती है, लिहाजा ह्यूमंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ये है जी मेल सपोज कर लें, और ये है जी फीमेल, ठीक है जी। अब मेल के पास है जी अपना गैमेट, ये मेल गैमेट है, और फीमेल की बॉडी के अंदर है जी उसका अपना गैमेट फीमेल होगा। अब यहां क्या होता है, ये मेल गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर डाला जाता है। मेल अपना गैमेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करेगा, बल्कि बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करेगा। फीमेल गैमेट कहीं नहीं जाएगा, फीमेल गैमेट अपनी जगह पर ही रहेगा, फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगा, और फिर ये फीमेल बॉडी के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होगी। इसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल में क्या हुआ था, बोथ ऑर्गेनिज्म डिस्चार्ज गैमेट इन वाटर, यानी दोनों ने पानी में डिस्चार्ज किया था। यहां क्या होता है, मेल ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्चार्ज करता है अपना गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर, डिस्चार्ज एड्स गैमेट इनसाइड फीमेल। फर्क आ गया। एक्सटर्नल में क्या हुआ था, दोनों ने अपना गैमेट जो है वो पानी में निकाल दिया था। मेल ने अपना गैमेट फीमेल में नहीं डाला था, बल्कि पानी में निकाला। फीमेल ने भी अपना पानी में गैमेट निकाल दिया। जबकि इंटरनल में क्या हुआ, फीमेल का गैमेट कहीं नहीं गया, फीमेल का गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर ही है, बल्कि मेल ने क्या करा, अपना गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर डाल दिया। और अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, जाहिर बात है जहां दोनों गैमेट्स हैं, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल बॉडी। ये होती है जी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बस सीधी सी बात, अगर आप देखेंगे जी, मेल ने भी अपना गैमेट पानी में निकाल दिया, फीमेल ने भी अपना गैमेट पानी में निकाल दिया, और फिर दोनों के जो गैमेट है बाहर, बॉडी के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पानी में मिलते हैं, जायगोट पानी में बनता है, इसको आप कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है जी, कि फीमेल गैमेट अपना जो है, अब मेल ऑर्गेनिज्म अपना गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर डाल देता है। अब ये अंदर जाके फीमेल बॉडी के अंदर जो गैमेट पड़ा हुआ होगा, ये वहां जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है, जायगोट फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, इसको आप कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। काफी फर्क आ गया जी। पहला फर्क, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों ऑर्गेनिज्म पानी में गैमेट डिस्चार्ज करते हैं, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल ऑर्गेनिज्म अपना गैमेट फीमेल में डिस्चार्ज करता है। दूसरा फर्क, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों गैमेट्स का फर्टिलाइज होकर जायगोट बनना बॉडी के बाहर हो रहा है, पानी में हो रहा है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तीसरा फर्क, जो जायगोट बनेगा, जाहिर बात है उसकी लोकेशन चेंज है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जायगोट फॉर्म होता है वो पानी में होता है, जायगोट फॉर्म इन वाटर, जाहिर बात है फर्टिलाइजेशन जहां होगी वहां पे ही गैमेट जायगोट बनेगा जी। तो इनका फर्टिलाइजेशन क्योंकि पानी में हुआ है, आउटसाइड द बॉडी, कहां पर, पानी में, लिहाजा इनका जायगोट पानी में बना। जबकि इधर फर्टिलाइजेशन क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर हुई है, लिहाजा जायगोट कहाँ होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा, जायगोट फॉर्म इन फीमेल, फीमेल के अंदर जायगोट बनता है। मजीद फर्क की बात करें, अब छोटे छोटे से जरा दूसरे फर्क बता दूं। अब यहाँ जो जायगोट की डेवलपमेंट है वो भी जाहिर बात है पानी में है, पानी में ही होगी। जायगोट की जो फर्दर डेवलपमेंट है, उसका एम्ब्रियो बनना, वो सब कहाँ होगा, जायगोट डेवलप इन वाटर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यानी वाटर में डेवलप होगा जायगोट। जबकि इधर क्या हुआ जी, चूंकि जायगोट फीमेल बॉडी के अंदर है, तो जायगोट की डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होगी, जायगोट डेवलप इन फीमेल। अब यहां दो मामले होते हैं, यहां पर दो मामले होते हैं जी, वो मैं यहां आपको साइड में दिखा देता हूं। यहाँ चूंकि दो मामले होते हैं, एक क्या होता है जी कि अब जायगोट डेवलप जब फीमेल बॉडी के अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करो, अब चूंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फीमेल बॉडी के अंदर जायगोट बना है, तो जाहिर बात है जायगोट की डेवलपमेंट भी फीमेल के अंदर होती है। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर जायगोट डेवलप होके एक अंडे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एग बन जाता है, और फिर फीमेल उस एग को रिलीज कर देती है बाहर, एनवायरमेंट में रिलीज कर देती है, और फिर एनवायरमेंट में वो जो है वो फर्दर डिवेलप होता है, जैसे कि बर्ड्स वगैरह के अंदर होता है। जबकि कुछ के अंदर क्या होता है जी मामला, कि जायगोट जो है वो फुली डेवलप होता है जी इनसाइड द फीमेल, एम्ब्रियो भी फीमेल के अंदर बनेगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जी, और फिर उस ऑर्गेनिज्म को
फीमेल जो है वो जन्म देती है जी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो रिलीज करती है। तो ये दो मामले होते हैं, यानी एक जो जायगोट को अंडा बना के रिलीज कर देंगे और एक जायगोट को पूरा ऑर्गेनिज्म बना के रिलीज कर देंगे। ये जो अंडा बना के करते हैं इनको हम कहते हैं ओविपेरियस, अंडे देने वाले ओविपेरियस। और जो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म जन्म दे रहे होते हैं उनको हम कहते हैं विविपेरियस, विविपेरियस। ओविपेरियस की एग्जांपल्स में आप ले लें रेप्टाइल्स जो होते हैं वो है ओविपेरियस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के अंदर बॉडी के अंदर ही आता है, फर्टिलाइजेशन अंदर होती है, जायगोट अंदर बनता है फीमेल बॉडी के, फिर जायगोट डिवेलप होकर अंडा बनता है और फिर ये अंडा रिलीज कर देता है और फिर अंडा जो है उस अंडे के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगी लेकिन अब वो बाहर होगी और पूरे अंडे से जो है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म पैर निकल आएगा। तो रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में ये जो है रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं ये ओविपेरियस होते हैं, जबकि मैमल्स और मैन वगैरह, मैमल्स में सारे जाहिर बात है मैमल्स के अंदर जो है इंसान वगैरह भी आ जाते हैं, तो मैमल्स में जो है वो विविपेरियस वाला मामला है, यानी जायगोट जो फीमेल बॉडी के अंदर डिवेलप हुआ है ना वो जायगोट फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगा और पूरा एक ऑर्गेनिज्म जब बन जाएगा तब उसको वो डिवेलप करते हैं, यानी कि वो बर्थ देते हैं उसको पैदा करते हैं। तो ये जायगोट के डिवेलपमेंट के हवाले से बात हो गई जी। उसके बाद और फर्दर डिफरेंसेस की बात करें तो जायगोट अनप्रोटेक्टेड है जी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, जायगोट जो है वो अनप्रोटेक्टेड है, जाहिर बात एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, बाहर मौजूद है, वहां बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्रेडेटर्स होते हैं जो इन जायगोट्स को खा जाते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो हार्श कंडीशंस होती हैं उनमें ये जो है वो डैमेज हो जाता है, तो जायगोट अनप्रोटेक्टेड होता है, जबकि यहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जायगोट जो है वो प्रोटेक्टेड है। अच्छा, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, जायगोट प्रोटेक्टेड है, फीमेल बॉडी के अंदर है ना, जाहिर बात है जायगोट प्रोटेक्टेड है, फीमेल बॉडी के अंदर है, उसकी वहीं पे डेवलपमेंट हो रही है, जो एक्सटर्नल कंडीशन है वहां से भी प्रोटेक्शन हो रहा है, प्रेडेटर वगैरह से भी बच जाता है वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद जाहिर बात है चूंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आप जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटर्नल वाटर में पानी में जो है वो गैमेट्स रिलीज करते हैं, आप जाहिर बात है पानी बहुत पड़ा है, गैमेट्स ज़ाया हो सकते हैं, तो अच्छे खासे गैमेट्स लगते हैं जी, ज्यादा टू यानी कि मैनी गैमेट्स आर रिलीज, मैनी गैमेट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जी आप अच्छे खासे गैमेट्स को रिलीज करोगे पानी में, पानी तो बहुत बड़ा होता है, अब गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे जितने ज्यादा ये गैमेट्स रिलीज करते हैं, जबकि यहाँ पर गैमेट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉट टू मैनी गैमेट्स आर रिक्वायर्ड, नॉट टू मैनी गैमेट्स आर रिक्वायर्ड। आपने अभी देखा था कि गैमेटोजेनेसिस में जो ओजेनेसिस था वहां एक ही गैमेट बनता है, तो एक फीमेल गैमेट ही एक वक्त में काफी होता है जी, बस मेल गैमेट्स को आके उस फीमेल गैमेट को ढूंढ के उसको फर्टिलाइज करना है, तो सो नॉट टू मैनी गैमेट्स आर रिक्वायर्ड, ये कुछ फर्टिलाइजेशन में डिफरेंसेस आते हैं। तो ये दो तरह की होती है जी, एग्जांपल्स भी मैं आपको बता दूं, तो ये जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स में अल्लाह को बरकत, यहाँ एग्जाम्पल्स लिखते हैं जी अगले पॉइंट, तो हमारे पास जो फिशेज होती है जी पाइसिस जिनको हम कहते हैं फिशेज, या हमारे पास जो एम्फीबियंस होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्रॉग वगैरह जिनमें आते हैं जी एम्फीबियंस और पाइसिस, वर्टिब्रेट्स की ये दो क्लासेस हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स की जो बाकी तीन क्लासेस हैं रेप्टाइल्स एविस और मैमल्स उनमें ये जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इनमें भी मैंने आपको बता दिया कि रेप्टाइल्स और मैमल्स को रेप्टाइल्स और एविस में वो ओविपेरियस होते हैं जबकि मैमल्स जो है वो विविपेरियस होते हैं, तो ये दो तरह की फर्टिलाइजेशन होगी, हम क्योंकि ह्यूमन का पढ़ना है तो हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखनी होगी, मेल अपने गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करेगा, फीमेल गैमेट कहीं नहीं जाएगा, फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर रहेगा, मेल बॉडी मेल ऑर्गेनिज्म अपना गैमेट फीमेल के अंदर डिस्चार्ज करेगा। तो अब मेटिंग फर्टिलाइजेशन इंसानों पर आते हैं, इंसानों में जाहिर बात है अब हमें सिस्टम देखना पड़ेगा, दैट इज द ह्यूमंस, ये सॉरी ह्यूमन बोल रहा हूँ, ये इंसान में जो मेल होता है ना ये उसका है, तो अब इसको हम कह रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है जी। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मेल फीमेल के तमाम सिस्टम जो है वो सिमिलर होते हैं, सिर्फ इसे इस सिस्टम को छोड़कर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, क्योंकि इनका मकसद ही अलग है, मेल का जो है वो स्पर्म्स बना के उसको डिस्चार्ज करने का मकसद होता है,
जबकि फीमेल के अंदर ओवम बना के उस ओवम को कैरी करने का मकसद होता है, क्योंकि जायगोट भी फीमेल में ही डेवलप होता है, तो इसलिए ये सिस्टम दोनों में डिफरेंट होते हैं, लिहाजा ये सिस्टम हमें मेल का अलग फीमेल का अलग पढ़ना पड़ता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है जी, ये साइड व्यू है और ये जो है सामने से एरियल व्यू कह लो आप इसको, ये वाला साइड व्यू है और ये वाला जो है वो एरियल व्यू है। सबसे पहले आते जी गोनेट पर, दैट इज द गोनेट टेस्टिस। हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस में कि मेल गोनेट होता है टेस्टिस, जहां पर गैमेट्स तैयार होते हैं। तो ये जो आपको ओवल नजर आ रहा है, जी ओवल बॉडी आपको नजर आ रही है, ये कहलाती है टेस्टिस। दिस आर मेल गोनेट्स, दो होते हैं, ये दो होते हैं, हार्ड सॉलिड सॉलिड होते हैं, बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, दो होते हैं पेयर की सूरत में होते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये बॉडी से बाहर मौजूद होते हैं। देखें जब बच्चा बनता है, जब इंसान बनता है, जब मेल डेवलप होता है, तो ये टेस्टिस बॉडी के अंदर ही होते हैं, लेकिन उसके बाद ये डेवलपमेंट के दौरान ये फिर बाहर आ जाते हैं, बॉडी से बाहर लाए करते होते हैं, पूरी बॉडी से बाहर ये लटकते हैं। वजह क्या है? ये जो टेस्टिस की टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म फॉर्म होता है, इसके लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर है वो ऐसा है कि उसमें फिर स्पर्म्स तैयार नहीं हो सकते। बॉडी टेम्परेचर के अंदर स्पर्म्स जो है वो तैयार नहीं हो सकते, अगर तैयार हो भी जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। लिहाजा बॉडी से बाहर निकालने का इसका मकसद ही यही है, ताकि टेस्टिस जो है वो एक आपके नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है उस पर ये मेंटेन है। तो ये हमारे पास बॉडी के अंदर बाहर एक एक पॉकेट सा, एक थैला सा लटकता है, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ये आपको नजर आ रहा है ना, ये बाउंड्री, ये वाली ये बाउंड्री है जिसको आप कहते हो स्क्रोटम। इसके अंदर जो है वो दो टेस्टिस मौजूद होते हैं, ठीक है जी। ये ऐसे लाए कर रहा होता है ऐसे, और एक टेस्टिस यहाँ होता है, एक टेस्टिस यहाँ होता है। तो इस थैले को आप कहते हैं स्क्रोटम, और इस स्क्रोटम के अंदर आपको दो ओवल शेप के टेस्टिस नजर आते हैं, दो ओवल शेप के टेस्टिस मौजूद होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। इनके अंदर बकायदे ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, टेस्टिस के अंदर ना ऐसे ट्यूब की क्वाइलिंग हुई होती है, बहुत ज्यादा ट्यूब्स की। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स, यहाँ आपको नजर आ रही होंगी, ये देखा ये ट्यूब, ये जो है ना आपको ये सेशन से नजर आ रहा है, तो यहाँ ये है जी क्वाइल्स ट्यूब्स की। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स। एक मिनट मैं यही लिख देता हूँ नाम, ये जो आपको क्वाइलिंग नजर आ रही है ना, इसको आप कहते हैं सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स। इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स, ठीक है जी। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और स्पर्मेथिड्स बनते हैं, स्पर्म्स नहीं बनते, स्पर्मेथिड्स बनते हैं, यानी उनमें टेल नहीं लगती। तो अब यहाँ पर टेस्टिस के अंदर जो है वो आपके पास यहाँ पर स्पर्म्स रेडी हो जाते हैं, स्पर्मेथिड्स रेडी होते हैं जी, यानी कि वो गैमेट तो बन गए हाफ हैप्लॉइड, लेकिन उनमें टेल नहीं लगी। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं ये इस स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं, ये जो टेस्टिस के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं जी। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिडाइडमिस। इन एपिडाइडमिस का काम होता है एक तो स्पर्म्स स्पर्मेथिड्स के अंदर टेल लगा के उनको मैच्योर स्पर्म्स बनाना और फिर उनको स्टोर करना। तो टेस्टिस ने जितने भी स्पर्म्स बनाए होते हैं सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स में, वो सारे एपिडाइडमिस में चले जाते हैं, वहां इनमें लगती है टेल और ये मैच्योर हो जाते हैं और फिर ये एपिडाइडमिस में स्टोर हुए होते हैं। तो एक ये हो गया जी आपके पास टेस्टिस, और ये हो गया जी स्क्रोटम, जहां जो जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद है। फिर टेस्टिस ने जो आपके पास स्पर्म्स तैयार किए, स्पर्मेथिड्स जो तैयार किए, वो शिफ्ट हो गए कहां, एपिडाइडमिस के अंदर, और एपिडाइडमिस के अंदर अब ये स्टोर हुए हैं। अब एपिडाइडमिस से एक ट्यूब निकलती है, ये सब पेयर ऑर्गन है, इसकी देखें इस तरफ इस टेस्टिस में भी है, तो इस टेस्टिस में ये रहा टेस्टिस, ये रहे एपिडाइडमिस और ये रही ट्यूब, ठीक है, ये पेयर ऑर्गन है। फिर अब दोनों एपिडाइडमिस से एक ट्यूब निकलती है, और उस ट्यूब को हम कहते हैं वास डिफरेंस, ये लिखा वाला, ये वास डिफरेंस है जी, ये आपको ट्यूब नजर आ रही है, ये ट्यूब आ रही है जी, ये पूरी ट्यूब, ये ट्यूब ऐसे घूमती हुई ब्लैडर के पीछे से होती हुई ये फिर यूरेथर से लग जाती है, यूरेथर से कंबाइन हो जाती है। अब यूरेथर आपको याद होगा हमने किडनी का सिस्टम पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये हमारे पास किडनी होती है, और किडनी से ऐसे ट्यूब निकलती है जो यूरिन लेकर आती है किडनी में से, उस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेथर। फिर वो यूरेथर जो है वो एक थैले से अटैच हुई भी होती है, एक बैग टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और फिर इस ब्लैडर से ट्यूब निकल रही होती है, उस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेथ्रा। ये आपको एक छोटा सा मैसेज सिस्टम बताना पड़ रहा है, किडनी से हमारे पास जो भी यूरिन होता है वो पहले यूरेथर से होता हुआ ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और फिर यूरेथ्रा के जरिए जो है वो बाहर निकल आता है।
यहाँ पर ये आपके पास जो नजर आ रहा है आपको, ये सारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें ब्लैडर में यूरिन स्टोर हुआ होता है। और फिर ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है ये यूरीथ्रा है, इस यूरीथ्रा से ये जो यूरिन है ये बाहर हो जाता है। अब ये जो सेमिनिफेर, ये वास्ट डिफरेंस जो आ रही है ना, ये यूरीथर से ही कनेक्ट हो जाती है। देखें इस मकाम पर, देखें यूरीथर से कनेक्ट होती है, यानी कि यूरीथ्रा जो होता है वो एक नहीं दो चीजों को डिस्चार्ज करता है, एक तो यूरिन को जो कि ब्लैडर से होता हुआ आ रहा है, और एक स्पर्म्स को जो वास्ट डिफरेंस से आ रहा है। ठीक, आई होप मामला समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ देखें जरा इस डायग्राम में, ये हमारे पास एक टेस्टिस आ गया, ये उसका एपिडाइडमिस आ गया, इसी तरह ये एक दूसरा टेस्टिस है, ये उसका एक एपिडाइडमिस है। अब दोनों एपिडाइडमिस से एक ये निकलती है जी वास डेफरेंस, एक ये यहाँ से आ रही है जी, एक इस टेस्टिस से आ रही है जी, ये रही वास डेफरेंस। अब ये पीछे की तरफ ब्लैडर है, ब्लैडर से ये जो आपके पास यूरिथर देखें, ये अब मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ ब्लैडर, ब्लैक से बनाते हैं। अब देखें ये आपके पास पीछे की तरफ देखें, ये ब्लैडर आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैडर है और ब्लैडर से ये यूरिथ्रा कनेक्ट हुई थी। तो अब ये देखें आप वापस रेड पे आते हैं, ये तो ये वास डिफरेंस जो आ रही थी ये दोनों यूरिथ्रा से कनेक्ट हुई है, इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है और आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है। मैं ये आउटलाइन जो है वो मिटा दूंगा तो फिर और ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आएगा, देख लेते हैं, ये देख लें। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अगर हम अपनी एक छोटी सी नीचे डायग्राम बनाने की कोशिश करें इधर, तो है क्या मामला, देखें एक ये है जी स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है जी, यहाँ एक टेस्टिस मौजूद है, यहाँ दूसरा टेस्टिस मौजूद है, इनमें बने स्पर्मेटिड्स। फिर वो कहाँ चलेगा जी, वो यहाँ चलेगा जी, ये है एपिडाइडमिस, यहाँ पे वो स्पर्म जो है वो स्टोर हुआ है। फिर एपिडाइडमिस से ये निकली ट्यूब, एक यहाँ से ट्यूब निकली, एक यहाँ से ट्यूब निकली, ये ट्यूब कहलाती है वास डिफरेंशिया, या वास डिफरेंस भी कहते हैं। दूसरी तरफ आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये ब्लैडर होता है, इसमें यूरिन स्टोर हुआ होता है, और ब्लैडर से ये निकलती है यूरीथ्रा, ये ब्लैडर में से यूरिन लेकर आ रही होती है, यही दोनों वास डिफरेंस इससे कनेक्ट हो जाती है, ताकि ये यूरीथ्रा से स्पर्म्स को भी डिस्चार्ज करते हैं। तो अब स्पर्म्स यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, इन जगहों से होते हुए यूरीथ्रा में आ जाते हैं जी, और फिर यूरीथ्रा से वो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं। इन डायग्राम्स में आप ये चीज देख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो अब मैं ये स्पर्म्स का ट्रैक बना रहा हूँ, यहाँ से स्पर्म्स बने एपिडाइडमिस में आए, तो ये वास डिफरेंस ऐसे होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए ये आप देखें जी यूरीथ्रा से कनेक्ट हो गए। अब यूरीथ्रा यहाँ से यूरिन भी लेता है, यहाँ से जो है स्पर्म्स भी लेता है, फिर ये स्पर्म्स यूरीथ्रा के जरिए ऐसे बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये जी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है जी। इधर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपके पास यहाँ पे स्पर्म्स तैयार हुए, एपिडाइडमिस में स्टोर हुए, फिर एपिडाइडमिस से यहाँ वास डिफरेंशिया से होते हुए यहाँ पे आ गए यूरीथ्रा में, और फिर ये यूरीथ्रा से बाहर डिस्चार्ज, ठीक है जी। तो ये हमने स्पर्म्स का तो ट्रैक पढ़ लिया जी, स्पर्म्स तैयार हुए कहाँ पर, टेस्टिस के अंदर, उसके बाद स्पर्मेटिड्स में उसको एपिडाइडमिस में वो स्टोर हो गए, वास डिफरेंशिया से होते हुए यूरीथ्रा में गए, और फिर यूरीथ्रा से बाहर आ गए। अब इस पूरी वास डिफरेंशिया में आपको तीन ग्लैंड्स भी मिलते हैं, तीन ग्लैंड्स भी आपको मिलेंगे। एक ग्लैंड देखें, ये वास डिफरेंशिया आ रही है ना, एक ग्लैंड ये रहा, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। दूसरा ग्लैंड आपको ये पीछे की तरफ नजर आ रहा, इसको आप कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा ग्लैंड जो है इस डायग्राम में नहीं है, लेकिन इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, मैं इधर भी बता देता हूँ, यहाँ एक छोटी सी ट्यूब होती है और यहाँ ये लगा हुआ होता है, ये तीसरा ग्लैंड इस डायग्राम में नहीं है, यहाँ एक ट्यूब के साथ लगा हुआ होता है, इसको हम कूपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, कूपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं जी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये तीन ग्लैंड है, एक सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा कूपर्स ग्लैंड, या फिर आप इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हैं। अब ये जो आपके स्पर्म्स आ रहे होते हैं वास डिफरेंशिया से, जब वो सेमिनल वेसिकल में जाएंगे, सेमिनल वेसिकल अपना जो है वो सेक्रीशन इसके साथ मिक्स कर देगा, फिर प्रोस्टेट अपना सेक्रीशन मिक्स कर देगा, और कूपर, ये तीनों ग्लैंड सेक्रीशन करेंगे, सब्सटेंस बनाएंगे, और वो स्पर्म के साथ ऐड कर देते हैं। तब वो स्पर्म के साथ इनका जो सेक्रीशन ऐड होगा, तो अब ये लिक्विड टाइप का
एक सोल्यूशन सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं सीमन। तो अब यूरिथ्रा से एक्चुअल में सीमन रिलीज होता है। सीमन में क्या होते हैं, जी स्पॉन्ज होते हैं और इन तीनों ग्लैंड की कुछ सेक्रीशंस मौजूद होते हैं। इन सेक्रीशंस के अंदर क्या होता है जी, इन सेक्रीशन से दो तीन फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि ये जो स्पॉन्ज होते हैं इनके अंदर टेल लगी हुई है, इनको स्विमिंग करने के लिए एक लिक्विड मीडियम चाहिए होता है, ये सेक्रीशन वो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करती है। दूसरा, ये स्पर्म्स जब फीमेल ट्रैक में जाएंगे वहां घूमेंगे फिरेंगे, इनको अपने वर्किंग के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, तो इस सेक्रीशन में इनका फूड भी मौजूद होता है। और तीसरा, चूंकि इस यूरिथ्रा में यूरिन डिस्चार्ज हुआ हुआ होता है और यूरिन एसिडिक होता है, तो उसमें यूरिक एसिड मौजूद होता है, तो तेजाबियत होती है जी इस यूरिथ्रा के अंदर। तो ये जो सेक्रीशन होता है ये यूरिथ्रा की तेजाबियत को भी खत्म करता है, सीमेंस को डैमेज होने से, स्पर्म्स को डैमेज होने से बचाता है। अगर ये सेक्रीशन ना हो, स्पर्म्स आए तो स्पर्म्स बेकार, क्योंकि वो इस तेजाबियत के अंदर स्पर्म्स मर जाएंगे। आगे अगर यहाँ से निकल भी गए कुछ तो आगे वो ट्रेवल कैसे करेंगे, उनके पास लिक्विड मीडियम नहीं है और फूड कहाँ से लाएंगे। तो ये तीनों ग्लैंड बहुत जरूरी होते हैं। ये तीनों ग्लैंड आपके स्पर्म्स की प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं फ्रॉम द एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ यूरिथ्रा, इसको स्विमिंग के लिए लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं और इनको फूड देते हैं। तो अब ये जो स्पर्म्स और उसके साथ जो सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड शामिल होती है, तब यहां से जो रिलीज होता है उसको हम कहते हैं सीमन। सीमन रिलीज होता है, उस सीमन के अंदर स्पर्म्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास हो गया जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, एक चीज और रह गई, ये जो हमारे पास, मैं यहां मिटा देता हूं पहले, फिर मैं दिखाता हूं, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको ग्लैंड वगैरह भी बता दिया, स्पर्म्स का भी पूरा जर्नी बता दिया क्या है जी, और ग्लैंड वगैरह भी बता दिए। एक और स्ट्रक्चर रह गया जी, वो है पीनस। तो पीनस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब ये जो हमारा, ये जो मेल में यूरिथ्रा होता है, ये मेल में जो यूरिथ्रा है ये बकायदा एक टिश्यू के अंदर, एक अच्छा एक ऑर्गन के अंदर पैक हुआ हुआ है, उस ऑर्गन को आप कहते हैं पीनस। ये जी जहां मैं आउटलाइन बना रहा हूँ ना, ये जी वो ऑर्गन, ये पूरा एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन को आप कहते हैं पीनस। इस पीनस के अंदर है जी यूरिथ्रा, और इस पीनस के, इस यूरिथ्रा के अलावा इस पीनस में एक ये इरेक्टाइल टिश्यू भी पाया जाता है जी। ये इस इरेक्टाइल टिश्यू की खास बात यह है कि यहाँ अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो है वो सख्त हो जाएंगे, यानी कि अभी ये ऐसा है, अगर इनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल मतलब सख्त होना, सख्त हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि पीनस जो है वो ऐसा नॉन इरेक्टाइल होता है, जब मेटिंग होती है तो उस दौरान यहाँ इरेक्टाइल टिश्यूज जो है उनके अंदर ब्लड कंडक्ट होता है, ब्लड फ्लो होता है, जिससे कि ये हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और इससे ये पूरा जो पीनस का स्ट्रक्चर है वो हार्ड हो जाता है। हार्ड होने से क्या होगा जी कि ये जो सीमन्स हैं इनको आराम से डिस्चार्ज किया जा सकता है, इजीली डिस्चार्ज हो जाते हैं फीमेल बॉडी के, फीमेल ट्रैक के अंदर ये एंटर भी हो जाएंगे, फीमेल बॉडी के अंदर इस पीनस की मदद से एंटर भी होंगे, प्लस इजीली डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये पीनस होता है एक सॉफ्ट सा ऑर्गन है जिसके अंदर यूरिथ्रा है और इरेक्टाइल टिश्यू है। ड्यूरिंग द मेटिंग, मेटिंग के दौरान ये इरेक्टाइल टिश्यूज हार्ड हो जाते हैं, जिससे पीनस जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। इस हार्ड स्ट्रक्चर से क्या फायदा होता है जी, दो फायदे होते हैं। पहला, मेल ने अपने गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करना है तो वो एंट्री हो जाती है इजीली, और दूसरा कि जी वो स्पर्म्स को जो है वो डिस्चार्ज में आसानी हो जाती है। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब साथ साथ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस हवाले से तो काफी सिंपल है, लेकिन इसको हम जो इसकी एक और साइकिल होगी, मेंसेस की साइकिल कहलाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ये हमारे पास है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहां पर वो बात याद रखिएगा जी, फीमेल गैमेट कहीं नहीं जाएगा। मेल गैमेट तो आपने देखा ना अभी, आपने मेल सिस्टम पढ़ा जी, मेल गैमेट यहाँ तैयार हुआ है, लेकिन ये सारा उसका जर्नी और उसको फिर बाहर निकालना, क्योंकि मेल को, मेल ने अपने गैमेट को डिस्चार्ज करना होता है, जबकि फीमेल में ऐसा कुछ मामला नहीं होता, फीमेल में बॉडी से बाहर गैमेट नहीं जाएगा। अब फीमेल में ये होती है जी दो अदद ओवरीज, एक येरी और एक येरी, एब्डोमेन के अंदर मौजूद होती है, ओवरीज होती है जी। ये फीमेल गोनेट्स हैं, और हमने पढ़ा है कि ये फीमेल गोनेट्स हैं, इसका मतलब है कि ओजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो ओवरी में होता है, और ओजेनेसिस के नतीजे में जो ओवम तैयार होता है वो ओवम बनता है इस ओवरी के अंदर, ठीक है जी। अब कितने ओवम बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताऊंगा। अब ये जी फीमेल के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ये पेयर ऑफ ओवरीज जो है वो ओजेनेसिस के जरिए फीमेल गैमेट बनाएंगे, जिनको हम कहते हैं ओवम। अब ये ओवम जो है वो ऐसे बॉडी कैविटी में रिलीज हो जाता है, ये रिलीज हो गया जी ओवम बॉडी कैविटी।
बॉडी कैविटी में रिलीज होता है, करीबी रिलीज होता है, मैंने थोड़ा दूर बना दिया, यहाँ कहीं रिलीज हो जाएगा। अब इस ओवरी के साथ अटैच नहीं है लेकिन करीब है, अटैच नहीं है याद रखिएगा, ये ओवरी है तो यहाँ पर है जी करीब करीब। ये ट्यूब होती है, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये पूरी यहां से लेके यहां तक, इसी तरह इस ओवरी की ये रीजी ओविडक्ट, ये ओविडक्ट कहलाती है, यहां तक ओविडक्ट कहलाई। इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और ओविडक्ट भी कहते हैं। और इसका जो मुंह होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, आपको मैंने डायग्राम में बना के दिखाया ना, इसका मुंह थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसके बड़े मुंह को हम कहते हैं फनल, ओविडक्ट फनल या फैलोपियन फनल, फैलोपियन फनल या ओविडक्ट फनल। इसका मुंह बड़ा क्यों है? ताकि ये जो बॉडी कैविटी में ओवम रिलीज हुआ है ना, ये उसको सक कर लेगा, सक कर लेगा और ओविडक्ट में जो है वो ओवम आ जाएगा। तो ओवरी ने, जैसे कि होता है ना, आपके आपने बॉल उछाली है जी और आपने हाथों से कैच कर लिया, ऐसा मामला हुआ है कुछ ओवरी के अंदर फीमेल के गोनेट। तो फीमेल में क्या होता है जी, फीमेल का जो गोनेट होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं, वो एक ओवम रिलीज करता है बॉडी कैविटी के अंदर, फौरन से वो ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब सक कर लेती है। फैलोपियन ट्यूब का जो मुंह है वो थोड़ा चौड़ा हुआ हुआ होता है, सीलिया भी मौजूद होते हैं, उस मुंह को हम कहते हैं फैलोपियन फनल, और ये उस सकिंग ऑफ ओवम में जो है वो फैसिलिटेट करेगी। चले जी, तो ये आपके पास ओवम रिलीज हुआ था, ये ओवम रिलीज हुआ था, फौरन से इसने सक कर लिया जी, अब ओवम यहाँ आ गया फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है जी, याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ फैलोपियन ट्यूब में होती है, इस मकाम पर होती है जी फर्टिलाइजेशन। अब वो मेल गैमेट आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, बाकी स्ट्रक्चर जरा ध्यान में रख लें, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब जो है वो आपको एक मस्कुलर बैक की तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं यूट्रस, इसमें ये दोनों ओपन हो रही है, देख लें जी, ये वाली फैलोपियन ट्यूब भी और ये वाली फैलोपियन ट्यूब भी, ये दोनों किससे कनेक्ट हुई है? यूट्रस। यूट्रस मस्कुलर होती है, मस्कुलर का मतलब है इसकी सारी जो वॉल है, इसकी जो रूफ है, ये पूरी की पूरी मसल से तैयार हुई होती है, वेल डिवेलप होती है। मसल्स का मतलब हो गया इसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसके अंदर मूवमेंट होगी, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, इलास्टिक होती है, मस्कुलर एंड इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक है ये और मस्कुलर है, जो जायगोट बनता है ना वो इधर डिवेलप करता है यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस है। फिर यूट्रस का जो निचला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, यानी कि यूट्रस की ओपनिंग कह लो आप इसको, दूसरी ओपनिंग, एक ओपनिंग तो ये है ना जहाँ ओविडक्ट आ रहे हैं, एक ये नीचे की यानी कि पोस्टीरियर ओपनिंग जो होती है उसको हम कहते हैं सर्वेक्स, ये यूट्रस की पोस्टीरियर ओपनिंग होती है, यहाँ पे यूट्रस स्टार्ट होता है नीचे से अगर आता है। उसके आगे सर्वेक्स के आगे एक मस्कुलर ट्यूब लगी हुई होती है जी, इसको हम कहते हैं वजाइना, और फिर ये वजाइना जो है वो बॉडी के बाहर होती है, ये वजाइना से बाहर जो है ना बस ये आउटसाइड है, ये जी आप इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बाहर की तरफ से आए तो आउटसाइड के हमें सबसे पहले पार्ट कौन सा मिलेगा? वजाइना, जो कि एक ट्यूब होगी, मस्कुलर ट्यूब होगी, मसल से बनी हुई। फिर उसके बाद हमारे पास यूट्रस की ओपनिंग आती है जिसको हम कहते हैं सर्वेक्स, फिर सर्वेक्स से होते हुए आप देखेंगे तो पूरा एक यूट्रस आएगा, एक थैले की तरह इलास्टिक मस्कुलर यूट्रस मौजूद होता है। यूट्रस से आपके पास दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और फैलोपियन ट्यूब्स के आखिर के अंदर आपको ओवरीज मिलती है। ओवरीज जो है वो हवा में लटक नहीं रही है बल्कि लिगामेंट से अटैच होती है जिनको हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है जरा ये देख लीजिएगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ये तो मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको बता दिया, अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जाहिर बात। तो सबसे पहले देखें, ये ओवरी ने एक ओवम रिलीज किया, फिर फैलोपियन ट्यूब ने अपनी फनल की मदद से इसको सक कर लिया और ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में ये ओवम आके अटक जाता है, यहीं पर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ओवरी ने इसको रिलीज किया, फिर क्या हुआ जी, दूसरा काम फनल ने इसको सक करा और यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आके वो स्टे करा हुआ। दूसरी तरफ वजाइना से यहाँ पर मेल जो है वो अपना वो इरेक्टाइल, वो क्या नाम है, पीनस, वो एंटर कर देता है यहाँ पर वजाइना से, ये पीनस एंटर हो जाता है मेल का, ये मेल का पीनस है और इस पीनस के अंदर आपको पता है जी यूरीथरा चल रही होती है, तो ये यूरीथरा है। अब यूरीथरा से ये स्पर्म रिलीज हो जाता है, ये क्या है, ये मेल गैमेट है जी, स्पर्म।
तो मेल क्या करेगा, मेटिंग के दौरान अपनी पीनस को वेजाइना में एंटर कर देता है ताकि जो है वो स्पर्म जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज ना हो बल्कि फीमेल बॉडी के अंदर ही रिलीज हो। तो पीनस के थ्रू क्या होता है जी, पीनस के साथ यही फायदा होता है कि पीनस जो है वो स्पर्म को फीमेल ट्रैक्ट के अंदर डिस्चार्ज करता है। ऐसा नहीं है कि बॉडी के बाहर डिस्चार्ज होता है फिर फीमेल बॉडी उसको अंदर खींच लेती, नहीं, पीनस की मदद से मेल गैमेट फीमेल ट्रैक यानी वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज किया। तो पहला स्टेप क्या हुआ, तो ओवरी ने ओवम रिलीज किया, दूसरा स्टेप क्या हुआ जी, फनल ने उसको सक किया और फलोपियन ट्यूब में आ गए। अब मैं ये हटा देता हूं पीनस को। अब तीसरा काम क्या होता है जी, मेल ने अपनी पीनस के थ्रू स्पर्म जो है वो यहां डिस्चार्ज कर दिया, ये तीसरा काम हुआ जी। अब ये स्पर्म आ गया जी, अब स्पर्म को तो हम रेड से बना लेते हैं, चले अपनी आसानी के लिए, ये स्पर्म है। अब ये स्पर्म जो है वो सर्वेक्स से होता हुआ यहाँ आएगा, फिर यूट्रस में आएगा, फिर यूट्रस से इधर ट्रेवल करेगा और यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी इनसाइड फेलोपियन ट्यूब और जाइगोट बन जाएगा। ये फर्टिलाइजेशन हो गई और जाइगोट बन गया, ये चौथा स्टेप हो गया। स्पर्म आया वेजाइना में, सर्वेक्स से होता हुआ, यूट्रस से होता हुआ, ओविडक्ट फनल में चला गया और ओविडक्ट में जो गैमेट था फीमेल गैमेट वहां फर्टिलाइज हो गया और अब यहाँ जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट बन गया है जी, अब आते हैं आगे की कहानी पर, इसको अब सबको मिटा देते हैं। अब यहाँ एक जाइगोट तैयार हो गया जी, उस जाइगोट को हम ब्लैक कलर से बना देते हैं जी, नाउ दैट इज अ जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है वो नीचे उतरेगा और यहाँ ओविडक्ट ये यूट्रस में आके यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। जाइगोट जो है जब वो बन जाता है, जाइगोट यानी फर्टिलाइजेशन हुई है ओविडक्ट में, और भी जब ये जाइगोट तैयार हुआ ना तो अब ये नीचे ट्रेवल करता हुआ यूट्रस में आ जाता है। जैसे ये यूट्रस में आता है तो यूट्रस जो है वो वेल डेवलप होती है, हम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। तो यूट्रस जो है वो पहले से इस चीज के लिए तैयार हुई भी है कि जाइगोट जो है वो आके यहाँ ठहरेगा। तो जाइगोट जैसे ही आएगा और वॉल से अटैच हो जाएगा, इसको आप कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब क्या होगा जी, ये हमारे पास यूट्रस की वॉल है, ये हमारे पास जाइगोट है, यहाँ पर कुछ टिश्यूज डिवेलप होते हैं, कुछ टिश्यूज यहाँ डिवेलप होते हैं, इन टिश्यूज को हम कहते हैं प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा एक्चुअल में, क्योंकि ये यूट्रस किसकी है, मदर की है, और ये जाइगोट क्या है जी, ये ऑफस्प्रिंग है, बच्चा। तो अब इनके दरमियान ये जो प्लेसेंटा है ये एक कनेक्शन बन जाता है। अब इस कनेक्शन से क्या होता है, मदर अपनी यूट्रस और उसके अंदर कैपिलरीज की मदद से इस जाइगोट को फूड वगैरह प्रोवाइड करेगी और इसमें से वेस्ट लेगी, इसको हम बहरहाल बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, किस तरह ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। जाइगोट हमने तैयार कर लिया और जाइगोट इम्प्लांट हो गया कहाँ पर, यूट्रस के अंदर। अब जाइगोट की डेवलपमेंट तो पूरा एक चैप्टर है जी, वहां पढ़ेंगे हम। लेकिन एक और मामला होता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉट इन मेल बट इन फीमेल। फीमेल के अंदर बाज औकात एक मामला होता है जी, उसको मैं हल्का से ब्रीफ करूं फिर मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। फीमेल में मामला ये होता है जी कि अभी हमने ये देखा कि हमारे पास ओविडक्ट के अंदर फीमेल गैमेट आ गया, फीमेल गैमेट जो है वो यहां आ जाता है जी, फीमेल गैमेट, ये अभी फीमेल गैमेट है। अरे जी, अब फीमेल को तो पता होता है जी, उसके इंटरनल सिस्टम को पता होता है जी, जाइगोट फीमेल बना हुआ है, मेल गैमेट आएगा तो ये फीमेल से सब फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट ने यहाँ आकर के ठहरना है। तो जाइगोट फीमेल बॉडी इसको डिवेलप करती है, जैसे आपको पता है ना कि आप घर में मेहमान आने वाला है तो आप अपने घर में सफाई वगैरह करते हैं, सिमिलरली जैसे ही फीमेल गैमेट डिस्चार्ज होता है ना तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, यूट्रस को डिवेलप भी करता है ताकि अदर फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाए, जाइगोट बन जाए, तो वो जाइगोट इस यूट्रस में आके स्टे कर जाए। ठीक है, तो जब ये फीमेल गैमेट आपके पास हाथ के हाथ फीमेल गैमेट रिलीज होता है, हाथ के हाथ ये काम भी हो रहा होता है, यूट्रस जो है वो डिवेलप होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल गैमेट आया, जाइगोट बन गया, तो फिर तो यूट्रस का जो आपने उसको यूट्रस को तैयार किया है वो तो काम आ जाएगा जी, जाइगोट यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो अब ये जो फीमेल गैमेट और ये जो यूट्रस की तैयारी ये सब जाया हो जाती है, ये सारा ये फीमेल गैमेट जो है ये भी रिलीज होगा और ये जो इसकी इंटरनल टिश्यूज बनते हैं वो सब डिस्ट्रॉय होके
रिलीज हो जाएंगे। इस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक होगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। अब हम जो है नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, लाभ।